अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमजी रिएक्शंस। माय नेम इज अब्दुल मोइज अब्बासी एंड हियर विद मी अबदीन अब्बासी। टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन बच्चन पांडे ऑफिशियल ट्रेलर, अक्षय कुमार विद अनदर बैंग मूवी। गाइस, बच्चन पांडे काफी सुपरस्टार है, से इसका इंतजार था मोइज, क्योंकि कोविड की वजह से जैसे कि सारी मूवीज डिलेड हो रही थी, तो उनमें से ये बच्चन पांडे भी है जो डिले हो चुकी थी, इसकी शूटिंग भी डिले हुई, ठीक है। फिर वरना इसकी जो रिलीज डेट्स बताई गई थी वो अर्ली बताई गई थी 2021 में, लेकिन ये डिले होते होते जनवरी में आई, जनवरी से अब मार्च में पहुंच गई। तो अब फाइनली इसका ट्रेलर आ गया है गाइस, आज ही आया है ये ट्रेलर 18 फरवरी को। तो देखते हैं इस ट्रेलर में, क्योंकि इसमें जो पिक्चर्स वगैरह रिवील हुई थी ना, उसमें अक्षय कुमार की जरा लुक बड़ी अलग सी थी, डेंजरस टाइप की ओल्ड लुक बताई गई। यस, और इसकी स्टार कास्ट में है गाइस, हैं अक्षय कुमार इन एंड एज बच्चन पांडे। अक्षय कुमार बच्चन पांडे का रोल कर रहे हैं, कृति सेनन जो हैं वो एज हैं मायरा दिवेका, एंड जैकलिन फर्नांडिस भी हैं एज सोफी, एंड अर्शद वारसी एज विशु का रोल प्ले कर रहे हैं, विशु नाम का रोल। प्रोड्यूस बाय साजिद नडियाडवाला, ओके, प्रोडक्शन है साजिद नडियाडवाला की, एंड जो डायरेक्ट इसे किया है वो है किया है फरहाद समजी ने, ओके गाइस, और म्यूजिक प्रोड्यूस किया है इसका टी सीरीज ने। I mean, what do you expect in this movie? देखो काफ़ी सुपरस्टार है ना इसमें, लाइक अर्शद वारसी, अक्षय कुमार और जैसे जैकलिन फर्नांडिस, ये मतलब थोड़ी सुपर हिट होने जा रही है ये मूवी। तो हम चलते हैं इस ट्रेलर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर वीडियो देख रहे हैं और स्टिल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो सब्सक्राइब का ये बटन है, इस पर क्लिक कर दो। Yes. और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि थ्रू नोटिफिकेशन आपको हमारा हर रिएक्शन मिल सके। So, without any delay, करते हैं इस बच्चन पांडे के ट्रेलर को स्टार्ट। ओके, I have finally decided कि मुझे किस पे फिल्म बनानी है। ओके, बागवा का बच्चन पांडे। देखो मालूम है कौन है वो? अरे किलर है यार वो। ओ, इसकी एक्टिंग तो अच्छी है। रावण है वो, रावण। उसका दिल और उसकी नाक। ओहो, दोनों। ओहो, अक्षय कुमार की न्यू रोल। अवकाल बनाए रखे के लिए भय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। आज आप नहीं होती इनकी। ओके ओके, वाओ, हम लॉर्ड ऑफ एक्शन। तो तू मेरा साथ नहीं देगा? नहीं। तो मतलब मेरी फिल्म में रोल भी नहीं करेगा? ये सेकंड हीरो ही होते हैं जो मेन हीरो को खा जाते हैं। वो अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट याद है? ये उसमें था बच्चन पांडे के चमचों को पकड़ते हैं। ये है कांडी, अजीबो गरीब कांड करता रहता है। उसने शीशा ही नहीं बंद किया था। उस आप कैसे कर रहे? ये बेवड़ा लव पिंकी से और लफड़ा हर किसी से करता है। साले की ऐसे पूरे गाना तो आग फोड़ देंगे। बम 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 बम। ये बफ 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 बफरिया चाचा है। मिरिंडा बच्चन पांडे से डायरेक्टली बात करूं क्या? ज्यादा लपर टपर किया ना यही गाड़ देंगे। मैं बस आप ही फिल्म बनाने आई थी। जैसे वो सत्या सरकार गैंग्स ऑफ वासेपुर वैसे बच्चन पांडे। ओके, अब तक आपने कितने लोगों को मारा? आपका 50, हम सबका 20, टोटल 70 हो गया भैया जी। और इन दोनों को मारे होते तो 72 हो जाते। और ये हमारे गुरु जी भाई, ये कौन है बता? बहुत मजा आओ से मायरा इन पत्थरों को तराशने में, सफेद पत्थर यार। इसकी एक्टिंग जो है ना, ये ग्रेनाइट गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लोगे? जस्ट अटच हो मायरा क्लिक, इससे कोई आशीर्वाद लेता है? जब हमारे पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे, पर मेडिकल वाला पैसे के बिना दवाई देने को तैयार नहीं था। अमेजिंग, हथियार उठा लिया। अरे कहीं रीजन नहीं, हम मारते थे मजा आता था, और मारते थे और मजा आता था। ये है सोफी, बच्चन पांडे की महबूबा। ओके, ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, तेरे को और मेरे को क्या करेगा ना, तू सोच भी नहीं सकती है। ओ, हाँ। गोड़े लग गए। घोड़े नहीं, पता है मुझे तेरे सामने बोल नहीं सकता। लो।
पैर वाला आंख ने भी रखा था। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। ओह, यहाँ पे किसी की एंट्री होगी। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। क्या मतलब मार दिया है? मार दिया उनको। ओके, तो ये थे ये बच्चन पांडे। मतलब कि पाल मोइज बात करते हैं अक्षय कुमार की लुक की। लुक की मतलब एक आंख उनकी रियल है और एक रियल नहीं है, एक फेक है आंख उनकी। क्यों? जैसे वो नाइफ रखते हैं ना, टन टन आवाज आ रही है ना, एक आंख उनकी फेक है। और बच्चन पांडे का रोल मतलब क्वाइट एन यूनिक रोल दिस टाइम अक्षय कुमार को मिला और वो इस रोल को कर रहे हैं गाइस। और रोल तो वो हर बखूबी निभाते ही हैं। और इस मूवी में के मतलब फिर उन्होंने अपनी लवर को मार दिया, सोफी जैकलीन फर्नांडिस जो है। जैसे कृति सैनन कहती है ना कि हम दोनों का क्या होगा, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया। ओके, तो डेफिनेटली और क्वाइट मतलब गैंगस्टर टाइप। ओके, गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अक्षय कुमार इसमें, लेकिन बीच में फन भी है एक्शन के साथ। बिल्कुल है। और बड़े कमाल के एक्टर गाइस इसमें और भी हैं साइड पे। अर्शद वारसी हो गए, क्या कमाल के एक्टर हैं वो, फनी रोल्स में तो बेमिसाल। और इसमें जो है अमित मिश्रा साइड रोल पर, वो भी बड़े कमाल के एक्टर हैं। इस बार उन्होंने एक अलग तरह का एक बकलाने वाला और साथ में वो पंकज त्रिपाठी भी। यस, वो भी मतलब साइड रोल बहुत अच्छा करते हैं। और उनकी मूवीज जैसे मिर्जापुर में उन्होंने कैसी एक्टिंग की। अभी अच्छा डिस्क्रिप्शन में हमने ये थोड़ा सा नहीं पढ़ा कि मायरा दिवेकर जो कृति सेनन है, इज एन एस्पायरिंग डायरेक्टर, इज गिवन अ टास्क बाय हिम टू कम अप विद अ ग्रिपिंग गैंगस्टर बायोपिक फ्लिक। ओके ओके, इसकी स्टोरी तो कुछ और बता रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन तो शायद गलत थी। फिर इस बायोपिक फ्लिक शी डिसाइडेड टू मेक अ बायोपिक ऑन अ रियल लाइफ गैंगस्टर, सेटिस्फाइंग द प्रोड्यूसर नीड्स फॉर कमर्शियलिज्म एंड हर हंगर फॉर मेकिंग अ रियलिस्टिक फिल्म। हर एक्सटेंसिव रिसर्च ओनली लीड्स टू वन नेम, द मोस्ट मिनेसिंग एंड वन आईड बच्चन पांडे। ओके, ऑफ बागवा। अच्छा, बागवा से, ठीक है, बागवा से ताल्लुक होता है इनका। मायरा ट्राइज हर बेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट हिम विद द हेल्प ऑफ एन ओल्ड फ्रेंड टू डेवलप अ फिल्म स्क्रिप्ट, बट फेल मिजरेबली इन ऑल हर अटेम्प्ट्स। ओके, व्हेन शी फाइनली गेट्स द चांस टू गेन एन इनसाइट इनटू बच्चन्स लाइफ, शी एंड्स अप कटिंग कॉर्ड बाय बच्चन पांडे। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन दिस ट्विस्ट ऑफ टेल्स टेक्स अस ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। ओके, आई मीन काफी सारी स्टोरी, लेकिन नेक्स्ट क्या होगा इसके बाद, जो ट्रेलर में दिखाया गया ये मूवी में नहीं पता। लेकिन लास्ट में उन्होंने जैसे वो हथौड़ी लेकर गए दोनों को मार दिया और निशाना तो उन्होंने कृति को बनाया, क्या उन्होंने मारा या नहीं ये तो फिर हमें स्टोरी में पता चलेगा। बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन गाइस बहरहाल बहुत मजे का ट्रेलर था ये बच्चन पांडे का। और अक्षय कुमार जैसे अचानक से सीरियस होते होते जैसे बीच में फन कर रहे थे मोइस हंसते हुए, जैसे मेरे पापा को कैंसर हो गया। मेरे पापा को कैंसर हो गया, वाओ, दैट्स एन अमेजिंग, मतलब मजे का ट्रेलर था, बहुत ही मजे का ट्रेलर। हमने बहुत एंजॉय किया इस ट्रेलर को। आई होप आपने भी हमारे साथ इस ट्रेलर को एंजॉय किया होगा। और अगर एंजॉय किया है तो इस वीडियो को करना है लाइक, और चैनल को करना है सब्सक्राइब, और हमारी वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर भी किया करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत बहुत सारा ख्याल हमेशा आप लोग, ताकि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्यारों की हिफाजत करते रहें। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।